जब पवित्र आत्मा 31 एडी में उन 120 लोगों पर उतरा तो इसका मतलब यूहन्ना पर भी उतरा। जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, आत्मा में है वो, 90 में वो कहता है कि मैं आत्मा में भाग गया, ये समझने वाली बात है। यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। 7 कलीसियाओं के नाम पत्र, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं प्रभु के दिन के विषय में। जी हाँ, आपने देखा होगा पिछले संदेशों में हमने प्रभु के दिन के 7 भाग करे थे, और पिछले संदेश में जो 7वां भाग था वो 4थी आज्ञा की विशेषता के बारे में था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रभु के दिन के बारे में सीख लिया होगा और प्रभु के दिन के बारे में जाना होगा कि सही में प्रभु का दिन कौन सा है। आपने ये सब सीख लिया होगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 10 पद से हम लोग ये चीजें सीख रहे हैं। आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 10वें पद से, उसका जो दूसरा भाग है। जी हाँ, वैसे हम इसको पढ़ देते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:10, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुर्री का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। जब इस पद का आरंभ किया था हम लोगों ने सीख रहे थे, तो इस पद के 3 भाग करे थे। पहला भाग प्रभु का दिन, दूसरा भाग आत्मा में आ गया, और तीसरा अपने पीछे तुर्री का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना। तो तुर्री का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, ये जो भाग है तीसरा, ये प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 11वें पद से जुड़ा हुआ है। तो जब हम 11वें पद की चर्चा करेंगे तब हम इस बात की भी, इस भाग की भी चर्चा करेंगे, परंतु आज हम बात करेंगे आत्मा में आ गया। जब आत्मा में आ गया, इसको बड़े धीरज के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आत्मा में आने का मतलब क्या होता है। पहले हम ये देखें, यूहन्ना का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो यूहन्ना को पास्मो टापू पर कब भेजा गया, बहुत से लोग कंफ्यूजन में होते हैं। कोई कहता है 64 एडी में भेजा गया, कोई कहता है 65 में भेजा गया, कोई कहता है 67 एडी में भेजा गया, कोई कहता है कि 95 एडी में या 90 एडी में भेजा गया। बहुत बहुत से लोगों के अपने अपने मत होते हैं, मगर मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी का भी कोई मत क्यों ना हो, इतिहास सबसे बड़ा गवाह होता है, सबसे बड़ा साक्षी होता है उन बातों का जो बीते समय में हो चुकी हैं। जब हम रोमन इतिहास की बात करते हैं, अब आप कहोगे कि रोमन ही इतिहास क्यों, क्योंकि ये रोम के समय की बात है, जब रोम का बोलबाला था और पूरे संसार के ऊपर रोम का राज था। जी हाँ, और उस समय जो है, कौन सा राजा था जिसने यूहन्ना को पस्मो टापू पर भेजा, सटीक डेट जो है वो हमारे पास होनी चाहिए, और जब तक उस राजा का नाम और राजा की डेट और राजा का राजा बनना या शासन करने का समय हमारे पास नहीं होगा, हम नहीं जान पाएंगे। अपनी मर्जी से कुछ भी कह देने से बात पूरी नहीं होती है, एक सटीक जानकारी, खासतौर से जब हम प्रकाशित वाक्य के बारे में सीख रहे होते हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जब हम प्रकाशित वाक्य के बारे में सीख रहे होते हैं तो हमारे पास सटीक सारी चीज़ें डेट इतिहास की होनी चाहिए। यहाँ पर रोमन सम्राट का जो नाम है, पहले मैं रोमन सम्राट का नाम बता दे रहा हूँ, टाइटस फिलेबियस डोमिनेटियस नाम है उसका। जी हाँ, ये जो था 24 अक्टूबर 51 एडी में इसका जन्म हुआ था, और इसकी मृत्यु जो है 18 सितंबर 96 एडी में हो गई थी, और 81 एडी में ये रोम का सम्राट बना था। जी हाँ, 81 एडी में ये रोम का सम्राट जो था ये बन गया था, और इसी ने 90 एडी में यूहन्ना को पस्मो टापू पर भेजा था, और यूहन्ना जो था 90 एडी से लेकर 95 एडी तक पस्मो टापू पर रहा, जब तक उसने संपूर्ण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लिख नहीं लिया, उसके भेदों को लिख नहीं लिया। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का मतलब है कि उसके भेदों को जान नहीं लिया, उसके भेदों को सीख नहीं लिया, उसके जो भी परमेश्वर ने उसके ऊपर भेद प्रकट करे, जब तक सारी चीजें लिख ली नहीं ली गई तब तक वो वहां से निकाला नहीं गया, यानी पस्मो टापू से आया नहीं। यहां पर ये ध्यान देने की बात है। अब उसको वहां से लाने वाला कौन है? रोम का एक सम्राट हुआ नर्वे करके, जो हुआ है वो 96 एडी से लेकर 98 एडी तक जो था रोम का सम्राट था, उसी के द्वारा जो था यूहन्ना पस्मो टापू से निकाला गया है, और निकाला गया, और यूहन्ना जो है 100 एडी में लगभग 105
वर्ष का होकर अपनी मृत्यु फिर वो मर गया। ऐसी ब्लेसिंग्स जो है परमेश्वर ने दी है। आप जानते हैं ये इतिहास मैंने क्यों बताया, क्यों इस इतिहास की चर्चा हुई है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये इतिहास मैंने क्यों बताया। देखिए, ये इतिहास बताने का मेरा मकसद था, आप इस मकसद को सुनिएगा बड़े ध्यान से। यीशु मसीह के 12 चेले थे, ठीक है, यीशु मसीह के 12 चेलों से उसने स्वर्ग जाने से पहले एक बात कही थी, वो बात मैं पढ़ देता हूं कि क्या बात कही थी उसने। लूका 24 और उसका 49 पद, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। आप क्या आपने समझा, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे जिसमें यूहन्ना भी एक चेला था, तो ये बात यूहन्ना के ऊपर भी लागू होती है कि यूहन्ना को भी ये पता था कि यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम यरूशलम को छोड़कर तब तक मत जाना जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। और ये यरूशलम में, यरूशलम नगर के अंदर ही ये रहे, और जब इनके ऊपर सामर्थ उतरा, ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं प्रेरितों के काम 1:4-5 पद तक जब आप पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी थी और पेंतिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा तो लिखा हुआ है ये 120 लोग थे और ये सब पवित्र आत्मा से भर गए। किससे भर गए? पवित्र आत्मा से भर गए। अब इन 120 लोगों में यूहन्ना भी था, तो इसका मतलब क्या है, यूहन्ना भी पवित्र आत्मा से भर गया था, यूहन्ना भी आत्मा से भरा हुआ था। अब आत्मा से भरा होने का मतलब क्या है, वो आत्मा में ही था। मगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। अब यहां जो है बहुत से लोगों को कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। अब देखिए बात क्या है कि यूहन्ना कब आत्मा में भर गया था, आत्मा से कब भरा हुआ था, पेंतिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर उतरा। अब कौन सी एडी में उतरा, 31 एडी में पवित्र आत्मा जो था वो 120 लोगों के ऊपर उतरा जहां यूहन्ना भी मौजूद था, यानी यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा वो यूहन्ना भी उन 120 लोगों के बीच में उपस्थित था। अर्थात जब पवित्र आत्मा 31 एडी में उन 120 लोगों पर उतरा तो इसका मतलब यूहन्ना पर भी उतरा, और 120 लोगों में यूहन्ना भी था, यानी जब सब पवित्र आत्मा से भर गए तो यूहन्ना भी पवित्र आत्मा से भर गया। जब वो पवित्र आत्मा से भर गया, आत्मा में है वो, उसी समय से आत्मा में है, तो यहां पर जो है पास्मो टापू पर वो है 90 से लेकर 95 AD में है। देखिए यहां पर जो है 90 से लेकर 95 AD में। अब यहां 90 अगर मान ले या 91 मान ले या जो भी मान लीजिए, 90 में वो कहता है कि मैं आत्मा में आ गया। ये समझने वाली बात है, आत्मा में तो भरा हुआ है, अगर आपको पवित्र आत्मा मिला है तो आप क्या कहोगे, आप तो कहोगे मैं तो आत्मा मुझे मिला है, मैं तो आत्मा से भरा हुआ हूं। मगर यहां यूहन्ना क्या कहना चाहता है, ये एक स्पेशल बात है जिसको बहुत गहराई से समझना है। देखिए यहां पर जो आत्मा में आ जाना का मतलब है शरीर का बदल जाना। जी हाँ, बहुत ध्यान देने की बात है, आप कहोगे ये कैसी बात है। यहां पर इस समय यदि आपको आत्मा मिले, पवित्र आत्मा मिले, या मुझे पवित्र आत्मा मिला है जो मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को बता रहा हूं, तो मेरा शरीर वही है, ठीक है, मेरा शरीर वही है, मेरे शरीर के अंदर की हर एक्टिविटीज जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा होगी। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य के काम प्रकट करेगा, और पवित्र आत्मा यदि चाहेगा तो मेरे शरीर को उठाकर इधर से उधर कहीं पर भी ले जा सकता है। परंतु जब हम आत्मा में आ गए, यानी आत्मा बन गए, वहां पर आत्मा में आने का मतलब क्या, आत्मा बन जाना है, शरीर का आत्मा बन जाना। ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये सिस्टम क्यों हो रहा है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है जो परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि देखिए पौलुस भी एक बात को कहता है, क्या कहता है, 1 कुरिन्थियों 6:19 जब आप पढ़ेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। जी हाँ, यहां पर क्या है कि हमारा जो शरीर है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। जैसे मैंने कहा ना कि हम शरीर तो हमारा वही है,
ठीक है, परंतु ये एक घर है। जैसे मान लीजिए आप अभी किसी घर में रहते हैं, मैं किसी घर में रहता हूं, तो उस घर में मैं रह रहा हूं, उसके अंदर रह रहा हूं, ठीक है, वो भारी तौर से ईंट दीवारें ये सारी चीजें, परंतु उसके अंदर रहने वाले कौन है, मैं और आप है। ऐसे ही भारी रूप से हमारा शरीर ये दिखाई दे रहा है, परंतु अंदरूनी रूप से जो है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है जिसमें आत्मा वास करता है। शरीर वैसे ही है परंतु आत्मा इसके अंदर रहता है और अपने कार्य को सिद्ध करता है। अब यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि यूहन्ना जो है वो क्यों कहता है कि मैं आत्मा में आ गया और उसका शरीर कैसे आत्मा बन गया। बड़े ध्यान देने की बात है। पहले मैं आपको एक पद पढ़ाना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, जरा ध्यान दीजिएगा। इन बातों के बाद जो मैंने दृश्य की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुर्री के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहां ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुम्हें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। अब बहुत ध्यान से सुनेगा, कहां पर खुला हुआ देख रहा है, यहां पर लिखा हुआ स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ देख रहा है। देखिए स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ देख रहा है और यूहन्ना से क्या कह रहा है, देखिए परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर यूहन्ना से क्या कह रहा है कि यहां ऊपर आ जा। अब यूहन्ना ऊपर कैसे चला जाता, शरीर के साथ कैसे चला जाता, किस तरीके से वो चला जाता, उसका शरीर का बदलना होता, वो स्वर्ग में प्रवेश करने जा रहा है। वो चिड़िया नहीं है, पक्षी नहीं है कि उड़ के चला जाए। अच्छा पक्षी भी होता चिड़िया भी होता तब भी उड़ के स्वर्ग में नहीं जा सकता था वो, है क्योंकि वो शरीर अलग था। यहां पर स्वर्ग में प्रवेश करने की बात है, यहां पर जो वो कहता है कि मैं आत्मा में आ गया, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आत्मा में आ गया। आत्मा में आने का मतलब है शरीर में प्रवेश करने की बात है। अब शरीर में प्रवेश करने के, जैसे आपने पढ़ा होगा परमेश्वर का वचन का कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, है आकाश के बादलों पर आएगा, तो हम लोग भी क्या करेंगे, हमें अपने साथ कहां ले जाएगा, स्वर्ग में ले जाएगा। और सब लोग इस इंतजार में हैं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे और स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति और महिमा करेंगे। मगर स्वर्ग में जाने से पहले आपको अपने शरीर को बदलना है, आपको नहीं, परंतु जब आप प्रभु में हैं और जब आप प्रभु में सोए हैं, या बहुत से हमारे भाई बहन जो प्रभु में मर गए हैं, जब वो भी जी उठेंगे और जो उस समय जीवित होंगे और प्रभु में रहेंगे, उनका शरीर भी बदल जाएगा। शरीर का बदलना जरूरी होता है। देखिए मैं ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को बताता है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 52 पद है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा 52 पद यहां क्या लिखा है, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर्री फूकती ही होगा, क्योंकि तुर्री फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्या लिखा हुआ है, है? जरा और इसको 51 से पढ़ लें। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब सोएंगे नहीं परंतु सब बदल जाएंगे। फिर लिखा है 52 में, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर्री फूकते ही होगा, क्योंकि तुर्री फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम बदल जाएंगे। किस रूप में बदल जाएंगे, क्या हमारा शरीर जो है वो स्वर्गदूतों के शरीर के रूप में हो जाएगा, फिर हमारा ये शरीर नहीं रहेगा, ये शरीर जो है बदल जाएगा। वहां पर यूहन्ना के साथ भी यही हुआ है, क्योंकि यूहन्ना को कहां बुलाया जा रहा है, स्वर्ग में बुलाया जा रहा है, और जब स्वर्ग में बुलाया जा रहा है तो उसका शरीर क्या है, ये बदल गया। आपने सबने पढ़ा होगा एलिया नबी के बारे में, जब आप 2 राजा की पुस्तक और उसका दूसरे अध्याय से जब पढ़ेंगे आप, तो वहां, या 1 अध्याय से पढ़ेंगे, तो वहां पर जो है उसका स्वर्ग में उठाया जाना है। जी हाँ, स्वर्ग में उठाया जाना। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने की बात है कि एलिया उठाया कैसे गया। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि उसके पास क्या आया, अग्निमय रथ आया, जो आग से घिरा हुआ था, जो आग में डूबा हुआ था, उसके अंदर बैठ कर गया। अब इस शरीर के साथ जाता तो ये शरीर जल भी सकता था, परंतु परमेश्वर ने उसके शरीर को बदल दिया। और उसके शरीर को बदल दिया, कौन से शरीर में बदल दिया, जैसे स्वर्गदूतों का शरीर होता है।
वो आग में चले जाएं, वो पानी में चले जाएं, वो कहीं पर भी चले जाएं, उनके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। और ये स्वर्गदूतों का शरीर है कैसा? जी हाँ, पहले हम इसको भी पढ़ लेते हैं, इब्रानियों की पत्री और उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, 14वां पद मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? ये कौन है? ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। देखिए यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि सरदूत क्या है? सरदूत आत्माएं हैं। और हम भी क्या बन जाएंगे? हम आत्मा बन जाएंगे। यहां पर जो वो कहता है कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, तो आत्मा में आने का मतलब क्या है कि यूहन्ना पूरा का पूरा आत्मा में आ गया, आत्मा बन गया वो। जी हाँ, और जब वो आत्मा बन गया तब वो कहता है कि वो देखता है कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और कोई कहता है यहाँ ऊपर आ जा, वो उसी आत्मा में उसी शरीर समेत वहां वो जो है वो चला गया। अब वहां पर पस्मो टापू पर यूहन्ना का शरीर नहीं पड़ा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो शरीर आत्मा बन चुका है और वो आत्मा बन चुका है और उसी आत्मा में वो कहाँ चला गया? वो स्वर्ग के अंदर चला गया। ये अद्भुत बात है, यही चीज सिखाना चाह रहा, यही चीज जो है, यही अद्भुत बात बताना चाह रहा था। और यही हमारे साथ होने जा रहा है, हमारा शरीर भी बदलने जा रहा है, हमारा शरीर भी, यदि हम प्रभु में है तो, यदि हम प्रभु में है तो हमारा शरीर क्या होगा? सरदूतों के समान हो जाएगा और आत्मा बन जाएगा और आत्मिक हो जाएगा। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। जब आप दूसरा कुरिन्थियों पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका पहला दूसरा पद पढ़ रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीका घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से जो स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये किसकी बात कर रहा है? ये पृथ्वी पर का घर है, डेरा सरीका घर जो है वो गिराया जाएगा, ये इस शरीर की बात कर रहा है। और फिर कहता है कि हमें, जब हम, यदि हम प्रभु में हैं तो यही शरीर जो है ये खत्म हो जाएगा और ये किसको पहन लेगा? ये अविनाशी को ना खत्म होने वाले शरीर को पहन लेगा जो स्वर्ग से मिलेगा, यानी स्वर्ग का जो है वो शरीर मिलेगा और उसका रूप धारण करके हम स्वर्ग में जो है वो प्रवेश करेंगे। परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताता है। और यहाँ पर जो है यूहन्ना यही चीज बता रहा है कि यूहन्ना जो है वो कैसे आत्मा में आ गया। वो तो आत्मा में पहले से था, वो तो पहले से पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा से भरा नहीं होता तो पस्मो टापू पर वो जिंदा रह ही नहीं सकता था। और यदि वो परमेश्वर का जन नहीं होता, जाने कितने लोगों को पस्मो टापू पर यानी काले पानी की सजा मिली होगी, जाने कितने लोग गए होंगे, कितने लोग मर खप गए होंगे। परंतु यूहन्ना जो है वो पहले से आत्मा से भरा है और आत्मा में भर कर वो वहां जाता है, परमेश्वर उनको सारे दर्शन देता है। परंतु जब स्वर्ग में बुलाने, अभी तो यहाँ पर एक बार है, कई बार अगर जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ेंगे तो कई बार देखेंगे कि परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा यहाँ ऊपर आ जा है? या जैसे आपने देखा होगा ना मूसा से, जब परमेश्वर इज़राइल मिस्र से इसराइलियों को निकाल कर ला रहा था तो बार बार वो मूसा से क्या कहता था, यहाँ ऊपर आ जा पर्वत पर, सीने पर्वत पर, यहाँ ऊपर आ जा। मूसा से कहता था यहाँ ऊपर आ जा, तू दो पट्टियों को गढ़कर यहाँ ऊपर आ जा। फिर कभी कहता था यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझसे बातचीत करूंगा, यहाँ ऊपर आ जा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। यहाँ पर सेम थिंग, यूहन्ना से पर्वत पर आने की बात नहीं हो रही बल्कि स्वर्ग में आने की बात हो रही है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वर्ग में प्रवेश करना मामूली बात नहीं है। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए स्वर्गीय शरीर का होना जरूरी है और ये स्वर्गीय शरीर उसी को मिलेगा जो सही में इस समय पवित्र आत्मा में बना होगा, प्रभु में बना होगा, प्रभु की आज्ञाओं में बना होगा, प्रभु के वचन को पूरा कर रहा होगा, प्रभु के वचन को मान रहा होगा। वही जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अभी हमने पढ़ा था ना पहला कुरिन्थियों और 15 अध्याय उसका 52 पद में, कि वह अंतिम तुरही जैसी फूंकी जाएगी, लिखा हम सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। बदल जाने का मतलब सबका शरीर क्या होगा? स्वर्गदूतों के समान हो जाएगा और फिर सब स्वर्गदूतों के समान उड़कर जो आकाश के बादलों पर प्रभु यीशु मसीह होगा उड़कर उसके पास पहुंचेंगे और फिर वहीं से वहीं उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर आत्मा में आने का यही मतलब है।
मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बने रहिए, और भी बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी, और भी बहुत से अद्भुत रहस्य सुनने को, जानने को, और हो सकता है आपको देखने को भी मिल जाए यदि आप गहराइयों के साथ उसको सुनेंगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसके 3 पद में मिलेंगे, जो इस पुस्तक को पढ़ता है, जो सुनता है, जो मानता है, उसके पास ब्लेसिंग्स है। तो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे पास है, और देखते रहिए अपने जीवन में प्रकाशित वाक्य के इस पुस्तक के द्वारा आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में कैसे ब्लेसिंग्स उतरती है। आइए हम अपने आप को तैयार करें उस शरीर को पाने के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम सब बदल जाएंगे, हमारा शरीर बदल जाएगा और आत्मा में आ जाएगा, हम आत्मा बन जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, आमीन।